देवा नाम का मुजरिम पुलिस कस्टडी में था। अस्पताल से भाग के उज्जैनी के ऊपर तेजाब डालकर खून करने की कोशिश की। इसमें एक महिला घायल हुई, ये जुर्म साबित हुआ है। इस जुर्म के लिए आईपीसी 307 सेक्शन के अनुसार 3 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। क्या यार, छोटे भाई को 3 साल की सजा मिलने से कनक राजू घबरा रहा है। उसकी सजा को कम करने के लिए वो हाई कोर्ट तक जाएगा क्या? अरे तू उसकी बात छोड़, मेरी सजा कब खत्म होगी ये बता मुझे। बाप रे बाप, औरत ये गेटअप कैसे सहन कर लेती है। माँ, माता, बहन, यू आर ऑल ग्रेट। भाभी, मैं क्या करूँ अभी? भाभी, अरे कहाँ हो भाभी? आओ भाभी। पता है क्या हुआ आज? अरे बैठो भाभी, अब बताओ। भाभी, तेरे पास से सिगरेट की बू आ रही है। सिगरेट पीने वाले शोहर की बीवियों के मुंह से सिगरेट की बदबू तो आएगी। अभी देखे गया है। गंदा गंदा क्या है, वो तो सब ठीक है भाभी। ऐसे बिना बोल के सडन एंट्री मत किया करो। क्यों? हाँ, नया नया शादी हुआ है ना, कब कौन से सीन में रहते हैं क्या पता। ठीक है, नहीं आऊंगी। बुढ़िया ठीक नहीं है ना, मेरे बाल धो दोगी? हाँ, बाल धोना मुझे? हाँ। अरे भाभी, सुबह से लेकर शाम तक मैं तुम्हारे बाल धोऊंगी। हाँ भाभी, अब देखना कैसे मैं तुमको रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। हाँ चलो चलो ना अंदर। तुम्हें भी साथ में आना है क्या? ये क्या, आप इन्हें रे बोल रहे हैं? वो क्या है, जब शादी के बाद मैं इन्हें प्यारी लगती हूँ तो मुझे रे बोलते हैं। आप यहीं पे रुकिए, औरतों के बीच किस लिए जाएंगे, तुम चलो भाभी। नीचे गिरा दिया? कुछ नहीं भाभी, तुम बहुत सुंदर हो ना, इसीलिए ऐसा हुआ। भाभी, दिन भर नींबू के छिलके से अपने बदन को खूब रगड़ रगड़ के धोया करो, इससे बदन से खुशबू आएगी भाभी। अरे तुम भीगी कैसे? पसीना पसीना हुआ है मुझे। बाथरूम में पसीना? मेरी कंडीशन तुम क्या जानो। ये हाथ कांप क्यों रहे तुम्हारे? भाभी, हाथ कांप नहीं रहे, एक नस जाके दूसरे नस से टकराती है भाभी, ये स्ट्रोक है ये। माँ, तुम्हारे हाथ बहुत हार्ड है भाभी। अरे बर्तन घिस घिस के मेरे हाथ ऐसे हो गए। कल तुम्हारी भी शादी होगी तो तुम्हारे भी हाथ ऐसे ही हो जाएंगे। आंटी, हाँ। दूध उबल रहा है, जल्दी आओ। मैं नहीं आ सकती, किसी और को बुला लो ना। अब जाओ, भाभी कह रहा है ना कि दूध उबल रहा है। क्या है, तेल से मसाज कर रही हूँ ना, तेल से हाथ निकल ही नहीं रहा, देखो। अच्छा ठीक है, जाओ भाभी। हाँ, जाओ। दूध को अभी ही उबलना था। ये तो बह रहा है, क्या करूँ, साड़ी उठा के पकड़ लेता हूँ। ये लड़का ऐसे क्यों चिल्लाया? आंटी, आंटी नहीं है, अंकल है। ऊपर शी, नीचे ही। ऊपर आंटी, नीचे अंकल। कोई खास बात नहीं है छोटी भाभी, वो क्या है कि बच्चे ने मुझे जरा सा दूसरी हालत में देख लिया तो वो डर गया। शाम को अस्पताल लेके जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर भी अपना है, अपना घसीटा राम का दामाद, रामकृष्ण, एक इंजेक्शन लगाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटे आओ। अरे ये क्या, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। वैसे छोटी भाभी, आप गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो। कौन हो तुम? अरे और कौन, सीताराम की बेटी, छलांग में फर्स्ट। मानने में मैं भी फर्स्ट हूँ। दादी माँ, इसने अभी अभी मुझे नहलाया है। क्या?
मेरी सिस्टर को नहला दो, तुम्हारी लड़की को नहलाते हो, शर्म नहीं आती? अरे अरे भागता है, कहाँ जाएगा बोल? अरे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे इसी दोस्त ने मुझे औरत का भेष बनाने को कहा। मेरे लिए? हाँ बहन, ये तुझसे प्यार करता है। इसने कहा तुम्हारे नजदीक रह करके ये तुम्हारे दिल में जगह बना सकता है। सारी सोच गंदी है, मेरी पोती को बिना कपड़ों के देखा है तुमने, अब उसके साथ शादी कौन करेगा? उसके साथ बिना एक पैसे दहेज के तेरी पोती से शादी मैं करूँगा। तुम्हें पसंद करे तब ने? मुझे पसंद है। अरे मुझे तो बहुत पहले से पसंद है।